अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। भाइयों, आपकी मुसीबत को देखकर हमारे महान दाता का हृदय खून के आंसू रो रहा है, इसलिए वो अपने कपड़े नीलाम करेंगे और उससे जो आमदनी होगी वो गरीब भाइयों के लिए खर्च करेंगे। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना न हो। दोस्तों, आज की फिल्मों में तो हीरो खुद सब कुछ कर लेता है, रोमांस भी करता है, विलनी भी और कॉमेडी भी। लेकिन पुराने जमाने में जो फिल्में बनती थीं, उनमें हीरो और हीरोइन के अलावा एक कॉमेडियन का होना बहुत ज़रूरी था, और वो कॉमेडियन हमेशा हीरो के साथ रहता था, चाहे खुशी हो या गम, कभी हीरो को अकेला नहीं छोड़ता था। और आज जिस मशहूर कॉमेडियन की मैं बात कर रही हूँ, वो 40s के दौर के बहुत मशहूर कॉमेडियन थे। और मज़े की बात यह है कि उनके दो फिल्मी नाम असली नाम से ज़्यादा मशहूर हो गए थे, और वो नाम थे नथुलाल और तैयब अली। अब तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि उस कॉमेडियन का असली नाम क्या था। जी हाँ, मुकरी। शहंशाह महाराज गाने मुस्की, वो बादशाह है उस्तादान बंदूकी, आली जाहे जय जयवंती, आलम पनाए ठुमरी, खुदा वंदे झंझूटी, वाले शान वाले बान वाले आन वाले तान, संगीतकार महाराज पोहे नूर बाबा, हम उन्हीं का तानपुरा लाए। 5 जनवरी 1922 में पैदा हुए थे मुखरी साहब उरन में, जो महाराष्ट्र में है, एक मुसलमान कोंकणी खानदान में। उनका पूरा और असली नाम था मोहम्मद उमर मुखरी। उनके वालिद का नाम था हिसामुद्दीन मुखरी और वो आरी थे, बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया करते थे। और मुखरी साहब की माँ का नाम था अमीना बेगम। पूरे घर को वो संभालती थी और उससे भी ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी थी बच्चों की सही तरबियत करना। मुखरी साहब के 5 भाई थे और सबसे बड़े भाई का नाम था मोइनुद्दीन और वो मुंबई में रहते थे। मुखरी साहब को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए वो माँ बाप को छोड़कर मुंबई में आ गए और अपने बड़े भाई के साथ रहने लगे, और बड़े भाई ने उनका दाखिला करवा दिया मुंबई के अंजुमन इस्लाम बॉयज़ हाई स्कूल में, और कहा पहले पढ़ो, फिल्मों के बारे में बाद में सोचना। स्कूल में मुखरी साहब की एक लड़के के साथ बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही क्लास में थे और साथ साथ बैठा करते थे, और उस लड़के का नाम था यूसुफ खान। और मज़े की बात यह है कि उसे भी फिल्मों में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसलिए स्कूल छोड़ने के बाद दोनों ने फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। और काफ़ी अरसे के बाद, बल्कि 1-2 सालों के बाद, यूसुफ खान की मुलाकात हुई देविका रानी से। वो मशहूर स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज की मालिकन थी और बहुत मशहूर हीरोइन भी थी। उन्होंने जब यूसुफ खान को देखा तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और फौरन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया बहसियत हीरो 1944 में, और उस फिल्म का नाम था ज्वार भाटा, और यूसुफ खान का नाम बदल के फिल्मी नाम रख दिया दिलीप कुमार। दिलीप कुमार की और मुखरी की बड़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए दिलीप कुमार की सिफारिश पे देविका रानी ने मुखरी को भी पहला ब्रेक दे दिया 1945 में, और उस फिल्म का नाम था प्रतिमा। और उसके बाद तो दिलीप कुमार ने जितनी भी फिल्मों में काम किया, उनमें से ज्यादातर फिल्मों में मुखरी का होना लाजमी था। नहीं, ऐसा जो फिल्म लाए नहीं। अरे बाबा, आने देना माँ को। माँ, मौसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम तो मौसी का ही जिक्र कर रहे थे ना। मौसी, तुम्हारे घुटने में वो पीरा है ना, पीरा, उसके लिए मैं शहर से शेर की चर्बी लाया हूँ। मुखरी साहब ने अपने पूरे करियर में लगभग 500 फिल्मों में काम किया और सब बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया, दिलीप कुमार से लेके ऋषि कपूर तक। किसी से चुप कर ये भी मिलता है, मैं नाम बताऊं ना 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 जी,
तस्वीर बताओ नाजी 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 चर गया वो कैसे बाजार में ऐसे शरीफों को हम रुसवा नहीं करते मियां जी। मुखलिस साहब कहते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत मिली लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी जब मेरे छोटे कद की वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे छोटे मियाँ कहते थे। वाकई बड़ी तकलीफ़ होती थी लेकिन मैंने अपनी सोच को बदल दिया और मैंने सोचा कि अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ खड़े होकर बात करूँगा तो वो सर झुका के मुझसे बात करेंगे और मैं सर उठा के उनसे बात करूँगा। अरे लंबू भाई मेरी एक बात तो सुनो। हाय टिंगो, तुम्हारा हाइट कितना है? हमारा हाइट 4'4" ही। माई कसम एक हाथ मारेगा 2'2" कर देगा। मगर क्या आवाज नहीं मांगता। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि उस दौर में मुखलिस साहब को चाहने वाले सिर्फ हीरोज नहीं थे, बहुत से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज्यादातर फिल्मों में मुखलिस साहब को लिया, जैसे प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई। दोस्तों ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने भी मुखलिस साहब के साथ एक फिल्म में काम किया और उस फिल्म का नाम था हीरा, जो आई थी 1973 में, और उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे सुल्तान अहमद। जनवरी 1950 में मुखलिस साहब ने शादी कर ली, अरेंज मैरिज, अपने माँ बाप की पसंद की लड़की के साथ। उनकी बीवी का नाम था मुमताज़ और वो बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी, बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी माँ। उनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियाँ। बड़ी बेटी का नाम है नसीम और वो बहुत अच्छी राइटर है और उसने 2 फिल्मों के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं और उन फिल्मों का नाम है धड़कन और हाँ मैंने भी प्यार किया। इसके अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी डायलॉग्स लिखे हैं। मुखलिस साहब अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा चाहते थे लेकिन अफसोस कि 1994 में उनकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और इसलिए मुखलिस साहब ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अपनी बीवी की तीमारदारी में लग गए। दिलो जान से खिदमत भी की और ख्याल भी रखा। नतीजा ये निकला कि उनकी बीवी तो ठीक हो गई लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उसी दौरान उन्हें कई फिल्मों की और टीवी सीरियल्स की ऑफ़र आईं लेकिन उन्होंने काम करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं कब तक ठीक होऊंगा और काम करने के काबिल रहूंगा या ना रहूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोगों का नुकसान हो, दूसरे लोगों का नुकसान हो। तो देखा आपने कितने अच्छे और नेक थे मुखलिस साहब। आखिरी दिनों में मुखलिस साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था। बीमारी के दौरान वो कहते थे कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे दोनों जिगरी दोस्त सुनील दत्त और दिलीप कुमार अपना ज़्यादातर वक्त मेरे साथ गुजारते थे। लेकिन अफसोस कि 4 सितंबर 2000 में अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और वो ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वो हमेशा लोगों को याद रहेंगे। इसकी वजह ये है कि वो बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे अदाकार थे और सबसे बढ़कर बहुत अच्छे इंसान थे। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।